अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरे चैनल पर वेलकम करता हूँ। मैं आप लोगों का टीचर रहीम शाह आज नए इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ मौजूद हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है, जैसे कल के लेक्चर में हमने पढ़ा कि डेफिनेट कल का एक कंसेप्ट ये भी था कि डेफिनेट कल का यूज हम वार रिवोल्यूशन के साथ भी करते हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले, तो लेट्स कम टू रीड। आज का जो हमारा लेक्चर है डेफिनेट कल के बारे में, वो है कि इवनली बॉडी। डेफिनेट कल का एक कंसेप्ट ये भी है कि जब भी डेफिनेट कल का एक कंसेप्ट ये भी है कि एवरली बॉडी, जैसे कि हमने बहुत सी कंसेप्ट डेफिनेट कल के बारे में पढ़े हैं, लेकिन डेफिनेट कल का एक ये कंसेप्ट भी है कि एवरली बॉडी। डेफिनेट कल का यूज डेफिनेट कल का यूज हम एवरली बॉडी के साथ भी करते हैं। एवरली बॉडी से मुराद ये है कि जो इस दुनिया में एक हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दी है। एवनली बॉडी के साथ भी हम डेफिनेट कल का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल मैंने दिए है बारहवें कंसेप्ट की, डेफिनेट कल की एग्जांपल, जैसे कि द अर्थ। हमने पहले पढ़ा कि एवनली बॉडी से मुराद ये कि जो इस दुनिया में एक हो, जैसे कि अर्थ। अर्थ दुनिया में एक ही अर्थ है। इसी तरह अर्थ के साथ हमने डेफिनेट कल का यूज किया, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया कि डेफिनेट कल का एक कंसेप्ट भी है क्या, हेवनली बॉडी के साथ भी हम डेफिनेट कल यूज करते हैं। ओके, जैसे कि जो इस दुनिया में हो, एक हो, मीन्स दैट यूनिक हो, ठीक है, यूनिक। जो इस दुनिया में एक हो, मीन्स दैट यूनिक चीजों के साथ भी हम डेफिनेट कल का यूज करते हैं। इसी तरह सन, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है मून। इसके साथ भी हमने डेफिनेट कल का यूज किया, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया कि जब भी एवनली बॉडी आ जाए, इससे पहले हमने डेफिनेट कल का यूज करना है। इसी तरह फोल स्टार्स, इसके साथ भी हम डेफिनेट कल का यूज करते हैं। इसी तरह पांचवा कंसेप्ट है हमारे पास नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल के साथ भी हम डेफिनेट कल का यूज करते हैं। सी, जो भी यूनिक चीज हो, इसके साथ हम डेफिनेट कल का यूज करते हैं। इसी तरह वर्ल्ड एक्सेट्रा, राइट। इसी तरह बहुत सी एग्जांपल है डेफिनेट कल के बारे में। कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है। इसी तरह स्काई, एक जो डायरेक्शन है, फोर डायरेक्शन, इसके साथ भी हम डेफिनेट कल का यूज करते हैं। ये तो हो गया आज का हमारा 12वां कंसेप्ट डेफिनेट कल के बारे में। और हमारे पास जो 13वां कंसेप्ट है डेफिनेट कल का, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले है। वो है कि नॉन मिसिंग। देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि हर वक्त ये जो मैं एडजेक्टिव की बात करता हूँ, एडजेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट है। व्हेनेवर यू रीड आर्टिकल, द एडजेक्टिव इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट, राइट। तो एडजेक्टिव जो है ना, बहुत ही जरूरी है। और अक्सर जो डेफिनेट कल का यूज है वो एडजेक्टिव के साथ होता है, राइट। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मीन इसमें सिफत। एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाई नोन और प्रोनाउन, के एडजेक्टिव इसमें इसम सिफत को इलुमिनेट करता है, इसम सिफत को बयान करता है। तो नॉन मिसिंग का मतलब ये कि जब भी एडजेक्टिव आ जाए, यहाँ पे मैं डेफिनेट कल का यूज करता हूँ, राइट। तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा, राइट। क्यों इनकरेक्ट होगा? क्योंकि हमने एडजेक्टिव की तारीफ में ये पढ़ा है कि डेफिनेट कल का एक यूज ये भी है कि डेफिनेट कल हम एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं, राइट। रिच, रिच जो है ना, ये एडजेक्टिव है, राइट। इट इज राइट, इट एन एडजेक्टिव। सो अगर ये एडजेक्टिव के बाद नोन आ जाए, तो इस सेंस में हम डेफिनेट कल का यूज करते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में एडजेक्टिव आया है, लेकिन एडजेक्टिव के साथ, एडजेक्टिव के बाद नोन नहीं आया है, तो इसलिए इट्स वेल कंसीडर्ड इनकरेक्ट। तो ये गलत तसव्वुर किया जाएगा, ठीक है, ये सेंटेंस गलत है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है, इसमें एडजेक्टिव आया है, देखो, रिच इज एन एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के बाद नोन भी आया है, एडजेक्टिव के, क्योंकि एडजेक्टिव का तारीफ ये है कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाई नोन और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव भी किसको मॉडिफाई करता है? नोन को मॉडिफाई करता है। तो इसलिए हमने
एडजेक्टिव के साथ डेफिनेटिकल द का यूज किया, तो फर्स्ट सेंटेंस जो है ना ये इनकरेक्ट है और सेकेंड सेंटेंस जो है ना ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि हमने तेरहवें कंसेप्ट में ये पढ़ा कि नॉन मिसिंग, जब नॉन मिसिंग हो इस सेंस में हम डेफिनेटिकल द का यूज नहीं करते। तो जैसा कि इसी तरह और एग्जाम्पल है कि इज अ ब्यूटीफुल, राइट, तो इस सेंस में भी इज द ब्यूटीफुल नहीं आएगा क्योंकि एडजेक्टिव आया है, एडजेक्टिव के बाद नॉन नहीं आया है, एडजेक्टिव के बाद जब नॉन आ जाए तो इस सेंस में हम डेफिनेटिकल द का यूज एडजेक्टिव के साथ करते हैं। इस ये जो नोट हमारे पास है, नोट क्या कहता है? नोट कहता है कि जब भी एडजेक्टिव आ जाए, राइट, जब भी एडजेक्टिव आ जाए सेंटेंस में, यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, The rich are always happy. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है अकॉर्डिंग टू नोट को भी अपने साथ नोट करना है क्योंकि बहुत ही जरूरी चीज है नोट। हर कंसेप्ट में मैंने एक नोट लिखा है जो इस कंसेप्ट का मेन चीज है नोट। नोट बहुत ही जरूरी क्योंकि ये जो पहले बातें में बेसिक सी बातें मैंने आप लोगों को बताई या किसी को बताया, लेकिन इसमें बहुत सी छोटी छोटी बारीकियां है, वो आप लोगों ने इसको समझना है। नोट कहता है कि जब भी एडजेक्टिव आ जाए और एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव आ जाए, नोट जो है नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट क्या कहता है कि जब भी एडजेक्टिव आ जाए, जब भी किसी सेंटेंस में, जब नोट को आप लोगों ने ओरली जो है ना याद करना है, जब भी एडजेक्टिव आ जाए किसी सेंटेंस में, राइट, जो भी सेंटेंस हो जब भी एडजेक्टिव वर्ड्स आ जाए और एडजेक्टिव के बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आ जाए, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब एडजेक्टिव आ जाए और एडजेक्टिव के बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो एडजेक्टिव से पहले भी हम डेफिनेटिकल द का यूज करते हैं, राइट। यहाँ पे जो है ना एडजेक्टिव आया है और इसके बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आया है, तो इस सेंस में हमने डेफिनेटिकल के साथ द का यूज, एडजेक्टिव के साथ हमने डेफिनेटिकल द का यूज किया। तो ये नोट ही बहुत ही इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकती है। इंशाल्लाह अगले जो हमारा अगला लेक्चर है इसमें हम डेफिनेटिकल के बारे में और कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।